किस्मत चमका देंगे, हर काम बना देंगे। बहुत आसान है यह 14 उपाय। इन 14 में से कोई भी एक उपाय करने से चमक सकती है आपकी किस्मत। नंबर 1, दान करना। दान करने से घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होती है, अतः हर शुक्रवार जरूरतमंदों को चावल दान करें, साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुक्र और चंद्र ग्रह का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। नंबर 2, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियाँ देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। हाथों को देखते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, पर बाते कर दर्शनम। इस मंत्र से लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। नंबर 3, पहली रोटी गाय को दे। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दे। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 4, शनिवार उपाय। शनिवार का दिन शनि भगवान का माना जाता है। इस दिन आपको काले अथवा नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके साथ ही यदि आप भगवान शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पीपल के नीचे हर शनिवार सरसों के तेल का एक दिया जलाएं। ऐसा करने से आपका भाग्य उदित होगा। नंबर 5, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 6, सूर्य देव की आराधना करें। रोजाना स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें। नंबर 7, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं व व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा ही शास्त्रों में बताया गया है। नंबर 8, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। नंबर 9, मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियाँ दूर होने लगती हैं। नंबर 10, गणेश जी की पूजा करें। यदि आप अपनी किस्मत चमकाने का उपाय कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा भी आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि आप गणेश भगवान की प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। गणेश जी की पूजा करने के लिए ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप अवश्य करें, जिससे सुख समृद्धि धन संपत्ति में वृद्धि होगी। नंबर 11, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 12, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व तो इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 13, घर खाली हाथ न जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं।
घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। नंबर 14, केले की पूजा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में गुरु बृहस्पति का वास माना जाता है। ऐसे में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ का पूजन करने से जीवन में आ रही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। इसके अलावा नौकरी व व्यापार में तरक्की होती है और अटके हुए सारे काम पूरे होते हैं। ऐसे में अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो इन खास उपायों को जरूर अपनाएं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।